मैं एक जर्मन होने के नाते इंडिया को इंग्लैंड डोमिनियन के अंडर देखना चाहूंगा रादर देन किसी और कंट्री के अंडर। ये इंडिया और इंडियंस को लेकर एडोल्फ हिटलर के शब्द हैं जो उसने अपनी किताब मैन कैम्फ में लिखे हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एडोल्फ हिटलर के जर्मनी में एक डिक्टेटर के रूप में राइज और उसके बाद इंडिया और इंडियंस की तरफ हेट्रेड की। यूं तो एडोल्फ हिटलर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा हुआ था लेकिन धीरे धीरे सोशियो पॉलिटिकल सेटअप के एवोल्यूशन ने उसे अपने यूथ में एक ऐसे जर्मनी में लाकर खड़ा कर दिया जहां उसके हाथ में सीमलेस पावर थी। उसका राइज एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हुआ था लेकिन हिटलर ने डेमोक्रेटिक मशीनरी का इस्तेमाल अपने पर्सनल गेन और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को प्रोपेगेट करने के लिए किया। कई इंसिडेंट्स एविडेंस का काम करते हैं कि हिटलर एक क्रूअल रिजिड और रेसिस्ट व्यक्ति था। लेकिन दोस्तों इंडिया को लेकर हिटलर का क्या सोचना रहा है? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि हिटलर का कैरेक्टर रेसिस्ट था और कई हिस्टोरिकल एनालिसिस और बुक्स में भी देखने को मिलता है इंडियंस को वो एक रेशियल टर्म्स में द्वयम दर्जे का समझता था। उसके ये आइडियाज कहां से आए और कौन ऐसे स्कॉलर्स या फिलोसफर्स थे जिसने हिटलर को प्रभावित किया, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। जैसे कि हिटलर के बारे में हम जानते हैं कि वो जर्मन लोगों को सबसे सुपीरियर रेस मानता था और उसके लिए बाकी रेसेस या तो इन्फीरियर थीं या उनका एग्जिस्टेंस अनएक्सेप्टेबल था। ये एक बड़ा कारण था कि उसने ज्यूज के खिलाफ कत्लेआम किया जिसकी हॉरिफिक स्टोरीज और शॉकिंग अकाउंट्स बुक्स आर्टिकल्स इंटरव्यूज में देखने और पढ़ने को मिलते हैं। उसके रूल के पूरे स्पैन में जर्मन डिक्टेटर इंडियंस को रेशियल टर्म्स में आउटराइट रिजेक्ट्स मानता था। दोस्तों जनवरी 1920 में हिटलर को जर्मन वर्कर्स पार्टी का प्रोपेगेंडा चीफ बनाया गया था, जिसके बाद के महीने में ऑर्गेनाइजेशन का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या द नाजी पार्टी कर दिया गया। 1200 लोगों की गैदरिंग को म्यूनिक में फेमस हॉफब्राउ हाउस फेस्टिवल हॉल में अप्रैल 17, 1920 को एड्रेस करते हुए हिटलर ने दूसरी बार पूछा था कि क्या एक छोटी सी पॉपुलेशन द्वारा एक पूरे कॉन्टिनेंट को रूल करना सही है या लीगली जस्टिफाइड है। हिटलर ने इस दौरान इंग्लैंड के इंडिया पर रूल के कॉन्टेक्स्ट में और चाइना में ओपियम वॉर्स और साउथ अफ्रीका में बोर्स के कॉन्टेक्स्ट को एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन किया, जबकि हिटलर जर्मनी को एक सुपर पावर बनाकर ब्रिटेन को रिप्लेस करना चाहता था। लेकिन उसने ये भी कहा कि इंग्लैंड के कुछ मिलियन लोग कैसे अर्थ के 1/5 पॉपुलेशन को रूल करते हैं। हिटलर के मुताबिक इसके कई कारण थे जिसमें से 3 उसने एड्रेस में मेंशन किए। उसने कहा कि कोई कंट्री इतनी पावरफुल 3 कारणों से होती है। पहला, ब्रिटिश नेशनल सेंटीमेंट जो हमारे यानी जर्मन लोगों में एब्सेंट है। दूसरा, कॉलोनीज में रेशियल प्योरिटी। एक इंग्लिशमैन को हमेशा लॉर्ड कहा जाता है, उसे कभी भी भाई कहकर नहीं बुलाया जाता। और तीसरा, उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस होने के कारण वो हमेशा इकोनॉमिक पावर को अपने हाथ में रखते हैं। ये हिटलर का स्टैंस था जिससे कुछ लिसनर्स कंफ्यूज रह गए। हिटलर का क्वेश्चन पहले ये था कि क्या ब्रिटेन का रूल करना सही है, लेकिन वो ब्रिटेन के पावरफुल होने को भी प्रेस करता रहा। ऐसे में कन्फ्यूजन ये था कि कौन सा सवाल हिटलर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इन दोनों बातों के बीच झूल रहा हिटलर का स्टैंड का वास्तविक मतलब क्या था। लेकिन उसी साल सितंबर में म्यूनिक में किंडल सेलर में हिटलर ने एक और मीटिंग की जिसमें उसने सारे डाउट्स ख़त्म किए। हिटलर ने करीब 2000 लोगों के सामने ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया के स्टारवेशन की बात की और बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ग्रेन्स एक्सपोर्ट करने के साथ साथ कॉटन की खेती एक्सेट्रा के साथ वहाँ के लोगों को भूखा मरने पर मजबूर किया। इसके बाद उसने ये असर्ट किया कि इन सभी बातों का मुद्दा ये है कि सही वही है जिसके हाथ में पावर है। एंड ऑफ द डे बिना पावर के सही होने का कोई मतलब नहीं होता। इन बातों से हिटलर जर्मनी के लोगों को सीखने की बात कर रहा था। उसने कहा कि या तो जर्मनी एक सुपर पावर हो सकता है या कोई जर्मनी रहेगा ही नहीं। नाजी लीडर के इमेजिनेशन में ब्रिटिशर्स वंडरफुली इक्विप्ड थे और इंडियंस इस तरह के पावर के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। पावर की जरूरत तो थी, पर हिटलर के लिए इससे भी क्रूशल एक बात थी, वो थी रेस। और इस मामले में वो इंडिया को लेकर एक क्लियर व्यू रखता था। हिटलर का मानना था कि इंडियंस एक इन्फीरियर रेस है। इंडिया को लेकर उसके व्यूज कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिलोसफर हाउस्टन स्टुअर्ट चैम्बरलेन द्वारा ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे। चैम्बरलेन एक ब्रिटिशर था पर उसे जर्मन्स बहुत पसंद थे, इसके चलते वो एक जर्मन सिटीजन बन गया। चैम्बरलेन हमेशा आर्यन इन्वेजन थ्योरी को एडवोकेट करता था और कहता था कि व्हाइट स्किन्ड आर्यंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में
नॉर्थ वेस्ट साइड से करीब 1500 साल पहले एंटर हुए और घुले मिले। इस दौरान उनकी रेशियल प्योरिटी रूइन यानी खत्म हो गई क्योंकि वो लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो गए। इसके अलावा हिटलर एक स्कॉलर एल्फ्रेड रोजनबर्ग से भी काफ़ी इम्प्रेस रहा। रोजनबर्ग हिटलर से 4 साल जूनियर जरूर था पर उसे नाजी माउथपीस वॉल्केशर बियोबेशर का एडिटर बनाया गया। रोजनबर्ग को आर्यन शब्द के एवोल्यूशन की जानकारी थी और वो जानता था कि कैसे ये शब्द पर्टिकुलरली रेशियल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। उसने भी रेशियल थॉट्स को एक हद तक हिटलर के मन में डाला। जोसेफ आर्थर दे गोबिन्याओ जो कि एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे, उन्होंने 1853 में जर्मनिक आर्यंस को सबसे सुपीरियर रेस बताया ही था। उसके मुताबिक ये रेस दुनिया और सिविलाइजेशन को नए अकम्पलिशमेंट्स तक ले जा सकती थी। गोबिन्याओ के इन्हीं व्यूज को चैम्बरलेन ने बेहतर तरीकों से प्रोपगेट किया था। साथ ही साथ रोजनबर्ग ने इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के अपने नॉलेज को अप्लाई किया और ग्रॉसली डिस्टॉर्टेड वर्जन विलफुली प्रोपगेट किया। ये माना जाने लगा कि आर्यंस इनलाइटमेंट और यूनिवर्सल वननेस में इतने खो चुके थे कि उन्हें रेशियल प्योरिटी का ध्यान ही नहीं रहा और इवेंचुअली रेस कंटेमिनेट हो गई। सब्सिक्वेंटली कई जनरेशन के बाद हिटलर के वक्त तक ऐसा माना गया था कि केवल टीचिंग रह गई है पर वाइटल रेशियल प्रीरिक्विजिट के बिना। एक समय में आर्यन रेस जो सुपीरियर थी अब डिसइंटीग्रेटेड थी और रेशियल डिके ने ओवरपावर कर दिया था। ये आइडियाज हिटलर के मन में घर कर चुके थे। रोजनबर्ग के मुताबिक वर्ना का रिच और ब्लड बेस्ड मीनिंग एकदम खत्म हो चुका था और अब वर्ना केवल प्रोफेशनल टेक्निकल और ऐसी ही कुछ क्लास में देखा जाता था। इन सभी बातों के बाद रोजनबर्ग इस रेशियल पॉपुलेशन के मॉडर्न प्रोडक्ट्स यानी मॉडर्न डे इंडियंस को पुअर बास्टर्ड्स या रेस्ट मॉन्ग्रल्स मानता था जिन्हें आर्यंस या प्रोटो आर्यंस के रूप में देखा जा सकता था। उसका मानना था कि ये लोग यानी इंडियंस अपने क्रिपल्ड यानी अपंग या पंगु एग्जिस्टेंस को हील करने के लिए गंगा के जल में हीलिंग मांगते रहते हैं। हिटलर 1920 से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक एक क्रूअल और रिजिड डिक्टेटर बनकर सामने आया लेकिन इंडियंस को उसने हमेशा एक इन्फीरियर रेस समझा। अपनी बुक मैन कैंप में भी इंडियंस के लिए उसने हार्श डिस्क्रिप्शन दिया है। तो दोस्तों ये थी कहानी हिटलर की और उसकी विचारधारा की भारत के प्रति। इस टॉपिक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।